हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं ध्रुव जोशी और आज का मार्वल कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियंस का वीडियो बनाने जा रहे हैं रिगार्डिंग विंटर ऑफ वो का। ये स्टूपिड सा अब्सॉर्बिंग मैन का कंप्लीशन बहुत ही मुश्किल से कंप्लीट हुआ। कम से कम 100-150 बार मैं ट्राई कर चुका था कि इसको मारने की। एक दो बार मैं इसको 30-35% पे भी ले आया था, फिर रिवाइव लगाया तो 70-80% तक पहुँच गया। तो क्योंकि उसका रीजन इतना सॉलिड है तो मतलब बहुत ही डिजेक्टेड हो गया था। फिर सुसाइड के साथ भी कोशिश किया एंड देन आई चेंज माय मास्टरी सेटअप एज वेल कि मास्टरी को विदाउट सुसाइड खेलेंगे एंड फिर उसके साथ हम अपना फिर से ट्राई करेंगे साले को मारने का। बट इस बार मैंने अपना थोड़ा आइडियोलॉजी चेंज किया एंड आई थॉट कि रिवाइव लगा कर ही जाऊंगा मैं, क्योंकि अगर मैं 50% या 60% तक ला रहा हूं तो काफ़ी हेल्थ उसकी मैं खा चुका हूं। अगर वो रीजन करके 5-10% बढ़ा भी लेगा तो इट्स नॉट गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो वही मेरा ऑब्जेक्टिव था, बट इट कैन गेट वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। आपको बस याद रखना है अगर आप शी हल्क यूज़ कर रहे हो कि थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग रहेगा, बट अगर आप वो सीख जाओ मेथडोलॉजी जो आज हम देखने जा रहे हैं तो काफ़ी सही रहेगा। आई थिंक आई सीन दिस, किसने किया था, ये MSD ने बनाया था वीडियो शायद, एंड जिसमें ही इज़ डूइंग बेसिकली उसके स्पेशल वन को बेट, फिर डैश इन, फिर से बेट उसका सेकंड पार्ट एंड या आई थिंक वही मेथड है करने का इसको। तो आप देख रहे हो मैं शुरुआत की पैरी के साथ, फिर एक दासू सा इंटरसेप्ट दिया, एक और इंटरसेप्ट दिया, उसको कॉर्नर तक ले आया हूँ मैं। माय ऑब्जेक्टिव इज़ वेरी सिंपल कि वो उसको कॉर्नर पे रखूँ, स्पेशल वो मारे एंड देन आई कैन हैवी चेन हिम इन द कॉर्नर। तो यही कर रहा हूँ। अब वो ऑब्वियसली ही इज़ नॉट गोइंग टू बी 100% कोऑपरेटिव। जैसे अब नहीं होता कोऑपरेटिव तो आप कुछ कर नहीं सकते, यू हैव टू मेंटेन एंड सेव योर स्ट्राइकर फॉर दैट, बिकॉज स्ट्राइकर से आप अपना थोड़ा डिस्टेंस वापस ला सकते हो उसको कॉर्नर में रखने के लिए। एंड आई विल शो यू व्हाट आई मीन, जब ये थोड़ा सा पैसिव हो जाएगा और मेरे को चेज करने लगेगा देन आई विल ट्राई टू शो यू कि मैं क्या करना चाहता हूँ। एंड एक और बहुत ज़रूरी बात है कि इसकी फ्यूरी मेंटेन करने के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि वो अपना स्पेशल टाइम पे दे। तो अगर वो पैसिव हो रहा है तो आपकी फ्यूरी लैप्स बहुत बार हो जाएगी। मेरी भी बहुत बार हुई थी, 17-18 फ्यूरी तक, 20 फ्यूरी तक पहुंच गया था मैं और वे एंड में एक भी फ्यूरी नहीं बचती क्योंकि ये स्पेशल नहीं देता। जैसे अभी आपने देखा था 9 फ्यूरी थी मेरी, बच गई सिर्फ 5। और यहाँ पे मैंने स्ट्राइकर इसलिए यूज़ किया क्योंकि वो पैसिव था। सो आई वेंट बैक एंड आई डिड द सेम मेथड, बट मैंने अपने हैवी चेन के साथ अपना स्ट्राइकर लगा दिया था ताकि वो कोने में आ जाए एंड दैट्स व्हाट आई डिड। अब फिर से सेम रिंस एंड रिपीट, 7 फ्यूरी है मेरे पास, काफ़ी अच्छा डैमेज आ रहा है, बट ही इज़ रीजनिंग लाइक क्रेजी। 2200-2500 का रीजन ले रहा था बट नाउ उसका रीजन इज़ ऑफ, सो आई एम गोइंग टू ब्लॉक हिम अगेन। बट येस, फाइनली उसने दे दिया और यहाँ मैं अपना स्ट्राइकर कॉम्बो फिर से यूज़ कर रहा हूँ एंड आई एम जस्ट गोइंग टू कीप हिम कॉर्नर्ड अगेन। सो हैवी कॉर्नर में 7 फ्यूरियाँ हैं अभी भी मेरे पास, विच इज़ अ गुड साइन कि बढ़ेंगी धीरे धीरे। कुछ पता नहीं कैसे बढ़ती है फ्यूरी, स्पेशल वन से तो फ्यूरी आती है इसके पास, बट आई डोंट वॉन्ट टू थ्रो स्पेशल वन क्योंकि वो रीजन इतना ज़्यादा कर रहा है कि इट्स गेटिंग वेरी अनोइंग। तो मैं स्पेशल 2 ही अपना यूज़ कर रहा हूँ ताकि उसका रीजन तो ब्लॉक हो एंड आई एम ओके विद 7-9 फ्यूरीज। अभी आप देख रहे हो 9 फ्यूरी हैं और काफ़ी हद तक उसको 60% तक ले आए हैं हम, बट दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ सोलो क्योंकि सोलो मुझसे हो नहीं रहा, बहुत कोशिश की है मैंने एंड नहीं हुआ गाइस। ऑनेस्टली 10 फ्यूरीज है अब मेरे पास, 64% पे है वो। आई एम जस्ट गोना बैश हिम इन द कॉर्नर, उस पर हील ब्लॉक लगाया हुआ है मैंने, पेट्रीफाई लगा हुआ है, सो आई एम गुड। 10 यूनिट अभी भी है मेरे पास। अब देखे जैसे आपने उसको कॉर्नर में लाने के लिए फिर से मैंने स्ट्राइकर का उपयोग किया ताकि मेरा वेस्ट ना हो। अब वो फिर से पैसिव हो गया अनफॉर्चुनेटली और उसने नहीं दिया अपना स्पेशल और यहाँ मैं मारा जाऊँगा। सो प्रीटी सैड, बट इस बार मैंने सोचा कि इतनी ज़्यादा हेल्थ ले चुका हूँ मैं 500K तक की, सो आई विल गो हेड विद माई रिवाइव। बट पहले 2 अटेम्प्ट मेरे रिवाइव के बहुत ही बेकार होंगे, सो इट्स नॉट रियली वर्थ इट गाइस, मज़ा नहीं आएगा। सो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल जस्ट सिंपली पॉज दिस एंड फास्ट फॉरवर्ड।
हाँ, तो ये जो अब दो अटेम्प्ट आप देखोगे ये 60% से ऐसे 70% तक पहुँचेगा, बट फिर सेकेंड अटेम्प्ट में मैं इसको फिर से 60% अराउंड तक ले आऊँगा, बट आई विल नॉट डू मच डैमेज ऑनेस्टली। फिर उसके बाद जो लास्ट वाला अटेम्प्ट करेंगे हम, जिसमें पूरा ख़त्म कर दूंगा मैं ऐसे फाइनली, वो वाला देखने लायक है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे 72-74% तक तो पहुँच ही गया था वो, बट या आई विल ब्रिंग हिम डाउन टू 60s एंड आई विल डाई, क्योंकि यार कोई घर ना घर में कोई ना कोई परेशान तो कर ही देता है। सो आई विल डेफिनेटली, बहुत धीरे उस 70% पे ही अटका हुआ है, बट आई विल गेट हिम डाउन टिल 60s, 62-65 तक तो ले ही आऊँगा एंड देन मर जाऊँगा। हाँ, सो आई यस, सो गाइज, अब ये जो मेरा तीसरा रिवाइव है, तीसरा एंड फाइनल रिवाइव, दिस इज़ द वन वी हैव बिन वेटिंग फॉर। एक सेकेंड। हाँ जी, तो अब यही है सेम स्ट्रैटेजी, उसको कॉर्नर में रखना है। यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने स्पेशल वन भी दिया ताकि कुछ तो फ्यूरी बने मेरे पास। एक फ्यूरी है आ गई, शुक्र है, बट फ्यूरीज ही नहीं आती। अब यहाँ पे बहुत हिट लगेंगे, बहुत स्ट्रगल है ये वाली फाइट, आराम से नहीं हो रही। एंड यू सी, थोड़ा सा हैवी को भी वो उसने इवेड कर दिया था, बट मैंने रिस्क लिया, उसको कॉर्नर में हवा में हैवी मारी थी ताकि मेरी फ्यूरी बढ़े। तो चार फ्यूरियों पे हूँ मैं, आई एम जस्ट गोइंग टू बैश इन टू हिम एंड स्टॉप हिज रीजन, ताकि फिर से, अब जैसे आप देख रहे हो 70% पे आ गया है, तो मेरा वैसे ही दिमाग ख़राब हो गया था कि इतनी मेहनत से इसको 60 तक लाता हूँ, फिर रिवाइव लगाता हूँ और वो 70% पे आ जाता है। अब आप देख रहे हो, अब फिर से मैंने यहाँ स्ट्राइकर का यूज़ किया ताकि कॉर्नर पे आ जाए एंड हैवी चेन में उसको कॉर्नर पे कर सकूँ। चार रिवाइव मेंटेन करनी भी मुश्किल हो रही है मेरे लिए, क्योंकि ही इज़ बीइंग एक्स्ट्रा पैसिव। सो यहाँ पे मैंने सीधा इसको सीधा एक स्पेशल टू दिया ताकि इसकी हीलिंग ब्लॉक कर दें हम, एंड जस्ट गोइंग अहेड विद द सेम ओल्ड मैकेनिक कि कॉर्नर पे रहे वो। अब यहाँ स्पेशल वन से दो तीन फ्यूरी बन चुकी हैं मेरी, और आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट टू डैश इन टू हिम, सो नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ माई स्ट्राइकर टू कीप हिम कॉर्नर्ड। और स्पेशल वन पे आ चुका है, पांच फ्यूरी मेरी मेंटेन्ड है, एंड या पांच फ्यूरी मेंटेन रख रहा हूँ मैं अभी भी, एंड ही इज़ एट 67%। तो आप देख रहे हो अब छः फ्यूरी हैं मेरे पास, आई होप वो स्पेशल देता रहे ताकि ये इतनी फ्यूरीज तो मेंटेन कर लूँ मैं। अब वो कॉर्नर में है एंड ही इज़ वेरी क्लोज टू स्पेशल वन, आई एम गोइंग टू गिव माई स्पेशल टू ताकि मेरा मेंटेन रहे। गाइस, रीजन उसका कम रहे, कम से कम 9 फ्यूरी हैं मेरे पास, 9 या 8 है पता नहीं, देख ले रहा मुझे यहाँ से। बट हाँ, अभी आप देख रहे हो फिर से 62% तक है वो अभी, अब उसका हीलिंग ब्लॉक कर देंगे हम ताकि ज़्यादा रीजन ना करे वो। 57% तक ले आया हूँ मैं 9 फ्यूरियों के साथ, हैवी चेन कर करके। ही इज़ गिविंग ए स्पेशल्स ऑल्सो, थैंकफुली पेट्रीफाई लगा हुआ है हर स्पेशल वन में ही रीजन्स, बट या उतना तो हमें रिस्क लेना ही पड़ता है। और उसका रीजन मीटर बढ़ते जा रहा है फालतू में, ही इज़ ऑल्सो अगेन बैक एट 60%, विच इज़ अगेन अनोइंग, बट कुछ नहीं किया जा सकता। 57% पे अब आ गया वो, मेरे पास 10 फ्यूरी हैं, जितनी ज़्यादा फ्यूरी होंगी उतनी जल्दी मरेगा साला ये। एंड अब वो कॉर्नर में हीरो बनने की कोशिश कर रहा था, मैंने एक पैरी ले ली जो बहुत डेंजरस होती है गाइज, कि पैरी लेना, क्योंकि आप मर सकते हो एक ही पैरी से, इतना ज़्यादा डैमेज देता है वो पैरी पे। 14 फ्यूरियाँ हो गई हैं, आई वुड नॉट वॉन्ट टू लूज़ इट, एंड येस आई एम नॉट लूजिंग इट राइट नाउ, बट आई विल डेफिनेटली लूज इट। मुझे पता है ये बहुत परेशान करेगा। यहाँ स्ट्राइकर के साथ फिर से हमने कनेक्ट किया, एंड गाइज आप देख रहे हो ना क्या शोर मच रहा है, मैं जहाँ मर्जी बैठूँ मेरे घर में शोर ही रहता है, मेरे घर में या घर के अराउंड। सो आई एम नॉट एबल टू रिकॉर्ड वीडियोज़, सीरियसली आई कॉन्ट डू एनी थिंग अबाउट इट। 18 फ्यूरी है मेरे पास, स्पेशल टू दिया कॉर्नर में, 44% तक आ चुका है गाइज वो, जस्ट गोइंग टू कीप हिम कॉर्नर्ड एंड होप एंड प्रे कि वो अपना स्पेशल देते रहे, नहीं देगा तो मेरी की जो 19 फ्यूरी हैं सारी लैप्स हो जाएंगी गाइज। ओके, कॉर्नर्ड अगैन, हैवीज हैवीज, 19 फ्यूरी स्टिल, 37% तक आ चुका है गाइज वो, एंड 8,800 का रीजन कर रहा था गाइज, ओ माय गॉड, शिट। बट थैंकफुली पेट्रीफाई लगा चुका हूँ मैं 21 फ्यूरियोज की फ्यूरीज के साथ,
33% पे ले आए हैं उसे फिर से हम, एंड बहुत मारी, पहली जा रहे हैं, पहली जा रहे हैं। 21-22 फ्यूरी है मेरे पास अब, 22 मेंटेन्ड है। जस्ट हैव टू गिव हिम अ सॉलिड स्पेशल टू। 9600 का रीजन है भाई। फाइनली आई शॉट इट ऑफ 53K का स्पेशल टू का हिट मारा है, एंड कीपिंग हिम कॉर्नर्ड अगेन। स्पेशल दे दे भाई, 23 फ्यूरीज आई हैव, 23%, ही इज़ एट 20% पे हो गया। अब मेरा डैमेज बढ़ रहा है गाइज, एंड ही इज़ गोइंग टू गिव हिज स्पेशल। येस, 24 फ्यूरीज हो गई है, कॉर्नर्ड है, ही इज़ रीजनिंग एट 11,000 पॉइंट्स पर टिक, बट 57,000 का मारा और यहाँ मुझे एक स्पेशल पड़ गया है। नाउ आई हैव टू यूज़ माई स्ट्राइकर टू इंटरसेप्ट एंड कीप हिम कॉर्नर्ड। तो कॉर्नर करने के लिए मेरे को स्पेशल वन यूज़ करना पड़ा। आई विल ट्राई टू इंटरसेप्ट हिम, बट नहीं हुआ और मेरी सारी फ्यूरीज लैप्स होके सिर्फ 5 बज गई हैं अब। बट ही इज़ एट 4% और असैसिन्स मास्टरी लगाई हुई है, तो ही शुड डाई नाउ। एंड येस, ही इज़ डेड एंड सो इज़ माई फोन। 2% बैटरी बची है, बट आई मेड इट। ऑलराइट गाइज, आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया आए तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, कॉमेंट करो, सब्सक्राइब करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय बाय।